जयंत सर को अपनी कोई मजबूरी होगी, मेरा भी मुलाकात नहीं हुआ, अभी आएंगे तो मुलाकात करेंगे उनसे, उनकी कोई मजबूरी होगी जिसके चलते उन्होंने ऑप्ट आउट किया होगा इससे? मनीष जायसवाल जो हजारीबाग सदर विधायक हैं वो विधानसभा में बैठे थे तभी उनको पता चलता है कि उनको टिकट कंफर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा है कि कोई मांगता नहीं है। क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या फीडबैक आ रहा है? जबरदस्त रिस्पॉन्स है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग टूट पड़े हैं। जयंत सिन्हा का जब से आपको प्रत्याशी बनाया और जब से उन्होंने राजनीति से छोड़ने की घोषणा की है तब से ना आपको बधाई मिला है और ना ही वो प्रधानमंत्री मोदी का जो भी बात जो भी योजनाएं हैं उसको लेकर कुछ ट्वीट कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, क्योंकि अभी वो वर्तमान में सांसद है, अचानक चुप हो जाना कहीं तो कुछ सवाल पैदा करता है। इस राज्य में बालू की लूट, कोयला की लूट, छर्री की लूट, नौकरी का लूट, ट्रांसफर पोस्टिंग का लूट, ये सब चल रहा है। भाजपा ने 195 प्रत्याशियों की घोषणा की थी, उसमें से झारखंड में 11 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था। और आपको बता दें कि हजारीबाग जिले से 2 बार के सांसद रहे हैं जयंत सिन्हा, उनका टिकट काट कर मनीष जायसवाल जो हजारीबाग सदर विधायक थे उनको टिकट दिया है, बीजेपी ने भरोसा जताया है। लेकिन जिस तरह से जो हुआ उस दिन 2:40 में जयंत सिन्हा का एक ट्वीट आता है कि हम राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं और जेपी नड्डा को एक ट्वीट करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री को टैग किया, अमित शाह को भी उन्होंने टैग किया। उसके बाद मनीष जायसवाल जो हजारीबाग सदर विधायक हैं वो विधानसभा में बैठे थे तभी उनको पता चलता है कि उनको टिकट कन्फर्म हो गया है। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है हजारीबाग लोकसभा का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरह से विधानसभा में आप बैठे हैं और आपको पता चलता है कि बीजेपी ने आपको प्रत्याशी घोषित किया है हजारीबाग लोकसभा का, उसके बारे में पहले क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा है कि कोई मांगता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सेलेक्ट करके लाती है, नीचे से चुन के लाती है अपने कार्यकर्ताओं में से और उसी में से किसी को टिकट देती है। तो यहाँ भी उन्होंने चुना। अब जयंत सर को अपनी कोई मजबूरी होगी, मेरा भी मुलाकात नहीं हुआ, अभी आएंगे तो मुलाकात करेंगे उनसे, उनकी कोई मजबूरी होगी जिसके चलते उन्होंने ऑप्ट आउट किया होगा इससे, इलेक्शन की राजनीति से उन्होंने अपने आप को अलग किया, उनका अपना कोई प्रॉब्लम होगा जिसका कि हम लोग बात करेंगे। लेकिन पार्टी ने आस्था व्यक्त किया है और उस आस्था पर पूरा खरा होने का प्रयास करें। लेकिन जब से आपके टिकट का अनाउंस हुआ है आप चुनावी प्रचार में लग गए हैं, लोगों से मिलना चालू, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं आपके सोशल मीडिया पे, क्या रिस्पांस रहा है? और अभी तक का आज आप बड़कागांव विधानसभा में पहुंचे हैं, कल अपने और भी हजारीबाग के जितने भी दौरा कर रहे हैं, क्या रिस्पांस आ रहा है और क्या फीडबैक आ रहा है? देखिए, इसको एक शब्द में हम टर्म अप करेंगे कि कल हम लोग बरही में थे तो हमारा पद्मा प्रखंड में, पद्मा में 5 बजे का कार्यक्रम था, हम लोग वहाँ 10 बजे रात में पहुँचे, 5 घंटे विलंब से पहुँचे और वहाँ पर महिला पुरुष मिलाकर के 300 से 400 लोग 10 बजे रात में भी इंतज़ार कर रहे थे और हम लोग चाह रहे थे कि प्रोग्राम लेट हो रहा है तो प्रोग्राम कैंसिल हो जाए, लेकिन उन्हीं का बार बार फ़ोन आ रहा था कि उनको आना पड़ेगा। तो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग टूट पड़े हैं और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का पुण्य और प्रताप है, उनका कर्म है, जिस तरीके से उन्होंने देश को ऊपर उठाया है, देशवासियों का मान बढ़ाया है, सभी गरीब लोगों को ऊपर उठाने का जिस प्रकार से वो प्रयास कर रहे हैं, इस पूरे देश की जनता उनका अपार समर्थन कर रही है। एक सवाल है जो हम लगातार पूछते आ रहे हैं कि आपको प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने, लेकिन जयंत सिन्हा का जब से आपको प्रत्याशी बनाया और जब से उन्होंने राजनीति से छोड़ने की घोषणा की है तब से ना आपको बधाई मिला है और ना ही वो प्रधानमंत्री मोदी का जो भी बात जो भी योजनाएं हैं उसको लेकर कुछ ट्वीट कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे हैं, क्योंकि अभी वो वर्तमान में सांसद है, अचानक चुप हो जाना कहीं तो कुछ सवाल पैदा करता है। ये बात तो आपको उनसे पूछना चाहिए, हम कैसे जवाब दे सकते हैं इसका। अच्छा, एक और सवाल, जिस तरह से अभी जब आ रहे थे आप वहाँ पे, देखा आपने, पहले भी आपने हमारे इंटरव्यू में आपने कहा है कि जिस तरह से राज्य सरकार बालू की नीलामी नहीं की है और बालू बिना नीलामी का चल रहा है, अभी आप आ रहे थे आपने देखा कि रास्ते में अभी आधे घंटे पहले 2 ट्रैक्टर वालों ने को पुलिस वाले ने रोका तो बालू वहीं पर गिरा के चले गए, क्या कहना? देखिए, इस राज्य में बालू की लूट, कोयला की लूट, छर्री की लूट, नौकरी का लूट, ट्रांसफर पोस्टिंग का लूट, ये सब चल रहा है, उसका
जीता जाता है उदाहरण वो जो दो ट्रैक्टर बालू गिरा हुआ सड़क पे वो है। अब हम लोग तो सदन से लेकर के सड़क तक इस बात को उठाते रहे हैं, थोड़ा प्रयास आप लोगों को भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका द पंचायत न्यूज़ को टाइम देने के लिए, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मनीष जसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब की बार हजारीबाग लोकसभा से जिस तरह से जयंत सिन्हा का टिकट काट कर हजारीबाग के दो बार सदर विधायक मनीष जायसवाल को टिकट दिया है, बीजेपी ने जिस तरह से मनीष जायसवाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, और एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि मनीष जायसवाल हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले हैं, और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जिस तरह से एक बार गदर फिल्म रिलीज हुई थी और वहाँ से सरकारी स्कूलों को गदर पिक्चर दिखाने के लिए अपने हॉल में लेके गए थे, उस समय भी वो विवादों में भी रहे और लाइमलाइट में भी आए। दूसरी बात आपको ये बता देते हैं कि रामनवमी में हजारीबाग जिले में एक बार डीजे नहीं बजने के कारण सदन में उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ लिया था। तो यही वो प्रत्याशी हैं जिनको बीजेपी ने हजारीबाग लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। देखना आपको ये होगा कि जो आने वाले लोकसभा है वो लोकसभा में कैसे प्रत्याशी आते हैं। हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और प्रत्याशियों को भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो आप देखिए समझिए जिस तरह से अभी बीजेपी ने मनीष जायसवाल को अपना प्रत्याशी हजारीबाग जिले से घोषित किया है, और हजारीबाग जिले में दो बार के सांसद रहे जयंत सिन्हा का टिकट काट कर हजारीबाग से सदर विधायक मनीष जायसवाल को इस बार टिकट दिया है। तो मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दादा पंचायत न्यूज़। नमस्कार।